अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मतलब फिर फार्मा सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी सल्व को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सल्व पे मैंने टाइमली दो दिन पहले आपको एडवाइस किया था, जब ये स्टॉक 54 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड हो रहा था, और मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में ये शॉर्ट टर्म में 60 का लेवल क्रॉस कर लेगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मौजूद है। तो जिन लोगों ने अच्छे लेवल पर बाई किया है, तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। अब देखेंगे, सल फार्मा पाकिस्तान में तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी और अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रही है। पाकिस्तान में जो इनके ब्रांड है, उनका मध्य मुकाबले इस वक्त मार्केट में कोई दूसरी कंपनी नहीं है। फार्मा सेक्टर में अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर रैंक करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सल पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी है, और अभी इन्होंने एक अपना आईवी ग्रुप लॉन्च किया था, उसके बाद ओमान में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा है, और अब मार्केट में इनका एक नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो डेफिनेटली सल की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। सल फार्मा एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो इस वक्त अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की अगर बात करें तो सल फार्मा की जो वैल्यू बनती है इस वक्त 150 से अबव इसकी वैल्यू, तो आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है। और स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टॉक अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम कीमत में होता है, तो वो फ्यूचर में अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू पे ज़रूर आता है। तो फ्यूचर में सल फार्मा बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, और मैं समझता हूँ ये मुस्तकबिल में मल्टी बैगर बन सकता है, और मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ये 2 से 3 गुना 5 गुना भी कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। क्योंकि फार्मा सेक्टर की दूसरी कंपनीज की बात करें, जिसमें हाइनून है और एबर्ट है, GSK है, तो सल भी इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला शेयर है। तो इस वक्त सल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इस लेवल पर बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और अपनी वेल्थ को वो बढ़ा सकते हैं कंपाउंडिंग की मदद से। और कंपाउंडिंग इस स्टॉक में हो सकती है वो, क्योंकि ये बोनस देने वाली कंपनी है और हर साल बाकायदगी से बोनस शेयर देती है। तो सिर्फ सल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बोनस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मौजूद है शेयर में फ्यूचर में। अगर बात करूँ तो मैं इसकी जो प्राइस की लॉन्ग टर्म की, तो 250 तक ये ईजिली स्टॉक जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो 60 to 70 रुपीज़ शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सल फार्मा उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन के लिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो सल उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये स्टॉक अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत कम कीमत में है, और फ्यूचर में ये स्टॉक अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से के करीब करीब जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है सल में। मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है सल फार्मा, और इस वक्त सल की जो पोजिशन है वो बहुत अच्छी है, सेल इनकी बढ़ रही है। कुछ वक्त के लिए सल की जो सेल थी वो डिक्लाइन हुई थी, लेकिन अब हालात जो है वो तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं कंपनी के, और अभी इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करा है ओमान में, तो गल्फ कंट्रीज़ में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी जो प्रोडक्ट है वो जा रही है पाकिस्तान से। ये वाहिद पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करती है। तो व्यूअर्स, सल फार्मा एक बेहतरीन शेयर है, इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखें, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आपको टाइमली अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।